मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरपीएस ऑनलाइन क्लास। स्टूडेंट्स, टुडे आई एम स्टार्ट चैप्टर 8 प्लांट अराउंड अस। आज मैं आप लोग के सामने स्टार्ट करने जा रही हूँ चैप्टर 8, जिसका नेम है प्लांट अराउंड अस। जो आपके अगल बगल जो भी प्लांट है उसके बारे में पढ़ना है। तो इस चैप्टर में, प्रीवियस वीडियो में आप लोग को मैंने पढ़ाया था पार्ट्स ऑफ प्लांट, कि प्लांट्स के कौन कौन से पार्ट होते हैं, और उस पार्ट में मैंने आप लोगों को रूट्स के बारे में पढ़ा था कि रूट्स का क्या फंक्शन है, रूट प्लांट के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा लीव्स के बारे में भी बताया था कि लीव्स का प्लांट में क्या इम्पोर्टेंस है और उसका क्या फंक्शन है। इसके साथ साथ मैंने ये भी बताया था कि रूट्स कितने टाइप्स के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रूट्स। तो आपने पढ़ा था एक टैप रूट होता है और एक फाइब्रस रूट होता है। तो रूट के बाद अब आप लोगों को पढ़ना है फ्लावर के बारे में, कि फ्लावर का क्या इम्पोर्टेंस है और फ्लावर का क्या हमारे लाइफ में यूज है। ओके, तो अब मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ कि फ्लावर का हमारे लाइफ में क्या यूज है। फ्लावर इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द प्लांट। फ्लावर क्या है? मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। वो एक प्लांट का एक पार्ट है जो बहुत ही खूबसूरत पार्ट्स है। वो प्लांट का सबसे खूबसूरत पार्ट्स है, ब्यूटीफुल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। दे आर डिफरेंट शेप साइज एंड कलर। वो एक ही कलर का नहीं होता है, वो डिफरेंट कलर का भी होता है, उसका साइज भी डिफरेंट होता है, और साथ साथ उसका शेप भी अलग अलग होता है। तो आपने क्या पढ़ा कि एक तो सबसे वो ब्यूटीफुल पार्ट्स है, इसका शेप साइज और कलर भी क्या है, डिफरेंट है। अब क्या है, दे आर डिफरेंट शेप साइज एंड फ्लावर जनरली बी ए नाइस प्लेंट। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जो फ्लावर का सुगंध होता है वो क्या होता है, बहुत ही अच्छा होता है। हाँ, और हर फ्लावर का जो फ्रेग्रेंस होता है वो डिफरेंट होता है। फ्लावर ब्लूम एट डिफरेंट टाइप ऑफ ईयर। सभी फ्लावर एक समय में नहीं खिलते हैं। हाँ, सभी फ्लावर का अलग अलग समय रहता है, जो अलग अलग समय में वो ब्लूम करते हैं, खिलते हैं। ओके, तो सपोज दैट जैसे हुआ प्लास का पेड़, प्लास में जो भी फूल खिलते हैं वो किस सीजन में खिलते हैं, वो स्प्रिंग सीजन में। आपने मोस्टली देखा होगा कि जब भी आप होली खेलते हो, जिस मंथ में होली, मार्च महीना में वो फ्लावर खिलता है, वो किस महीना में खिलता है, वो मार्च महीना। तो स्प्रिंग सीजन में ही ये क्या कहते हैं, प्लास का फूल खिलता है। अब एग्जाम्पल के रूप में देखिए, कुछ फ्लावर है जो समर सीजन में खिलते हैं, जैसे गुलमोहर हुआ, जस्मिन हुआ, वो कौन से सीजन में खिलते हैं, वो समर सीजन में। और कुछ फ्लावर हैं जैसे रोज हुए, डहेलिया हुआ और मारीगोल्ड, ये अधिकांशतः वो विंटर सीजन में खिलते हैं। तो हर फ्लावर का जो खिलने का समय होता है वो डिफरेंट समय होता है। अब क्या, फ्लावर फर्स्ट अपीयर एज बर्ड ऑन स्टीम ऑफ द प्लांट। आपने फ्लावर को देखा होगा कि जब भी वो स्टीम में खिलते हैं, तो खिलने से पहले, फ्लावर खिलने से पहले क्या रहते हैं, एक बर्ड कली के रूप में रहते हैं, जो किस में लगे रहते हैं, स्टीम में। अब क्या है कि ये तो आपने फ्लावर, अब फ्लावर का क्या क्या यूज है, हम लोग अपने लाइफ में फ्लावर का क्या क्या यूज करते हैं या फ्लावर का क्या क्या यूज है, वो आप लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले, सम फ्लावर्स आर ईटन एज वेजिटेबल। कुछ फ्लावर ऐसे हैं जो हम वेजिटेबल के रूप में खाते हैं, है ना। तो एग्जांपल के रूप में ले लीजिए, जैसे हुआ पम्पकिन हुआ, बनाना हुआ, हाँ, कॉलीफ्लावर हुआ, कॉलीफ्लावर हुआ, ये क्या है, एक तरह का फ्लावर ही है जो हम लोग वेजिटेबल के रूप में इसको यूज करते हैं। अब क्या है, सेकेंड, बहुत सारे स्पाइसेस, इस मसाले भी क्या है, वो हमें फ्लावर से ही मिलते हैं, जैसे क्लोव्स हुआ,
पीपल, सैफ्रॉन, ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लावर। वो हमें कहाँ से मिलते हैं? वो फ्लावर से ही मिलते हैं। हाँ, क्लोव्स आपने लौंग देखा होगा, ब्लैक पीपल देखा होगा और सैफ्रॉन, ये काली मिर्च और केसर, ये सब हम लोगों को कहाँ से प्राप्त होता है? वो फ्लावर से, जो हम लोग स्पाइस के रूप में, मसाले के रूप में इसका यूज करते हैं। सम फ्लावर्स आर यूज फॉर हनी। हाँ, देखते हो ना कि जो हनी है वो कैसे तैयार होता है, बी फूल के जो फ्लावर के रस को चूस के और उससे क्या तैयार करते हैं, हनी तैयार। तो जो हनी हम लोग प्राप्त करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, वो कहाँ से? वो फ्लावर से। फ्लावर आर यूज टू डेकोरेट टेम्पल एंड ऑल्सो ऑफर टू गॉड। इसके अलावा देखते हो कि जब भी कोई फेस्टिवल आता है, तो जो फेस्टिवल आता है तो मंदिर को क्या चीज से सजाया जाता है? फ्लावर से। तो सजाने के रूप में भी फ्लावर का यूज होता है। इसके अलावा जो गॉड हो उनको भी, जो हिंदू धर्म में को मानते हैं या गॉड को, वो लोग ऑफर भी करते हैं, उनको चढ़ाते भी हैं फ्लावर को। इसके साथ साथ फ्लावर का और क्या यूज है? इन विदिंग फ्लावर आर यूज फॉर डेकोरेशन। कहीं भी हमारे समाज में शादी ब्याह होता है तो जो मंडप सजाया जाता है, जो घर सजाया जाता है, वो क्या चीज से सजाया जाता है? वो फ्लावर से ही सजाया जाता है। तो हम लोग सजाने के रूप में, घर को सजाने के रूप में, मंडप को सजाने के रूप में हम लोग फ्लावर का यूज करते। इसके अलावा जो भी शादी में ये दूल्हा दुल्हन होते हैं, उनके जो भी ये वरमाला होता है, वो भी क्या चीज से बना होता है? वो भी फ्लावर से ही बना होता है। इसके साथ साथ हम लोग देखते हैं कि बहुत जगह जो क्या कहते हैं, वेरी कलर ऑफ शेप्स ऑफ फ्लावर एडेड बी टू लैंडस्केप, और फ्लावर का यूज और भी लैंडस्केप के रूप में भी किया जाता है। तो आपने देखा कि फ्लावर का क्या क्या यूज है, फ्लावर को हम कैसे कैसे यूज करते हैं। हाँ, अब क्या है, ये तो आपने फ्लावर का यूज पढ़ा, अब आप लोगों को पढ़ना है इसमें डिफॉरेस्टेशन, वन का कटाव। वन का कटाव क्या होता है? द कटिंग डाउन ऑफ ट्री ऑन ए लार्ज लेवल इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। देखते हो ना, आजकल पेड़ का कटाव बहुत बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि जनसंख्या बढ़ गई है, तो जनसंख्या बढ़ने से जो घर का निर्माण होता है, उसके अलावा जो फैक्ट्रियां बन रही है, जिसके कारण धीरे धीरे क्या हो रहा है, वन का कटाव होता जा रहा है। तो जो कटिंग डाउन ऑफ द ट्री ऑन ए लार्ज लेवल इज कॉल्ड, तो जो कटिंग डाउन ऑफ द ट्री, जो पेड़ भारी संख्या में जो काटा जा रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? वन का कटाव, उसको डिफॉरेस्टेशन। एंड दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ सोसाइटी एंड एनवायरमेंट। ये डिफॉरेस्टेशन क्या है? हमारी सोसाइटी के लिए और एनवायरमेंट के लिए ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ओके, तो ये लेसन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आप इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा। इसका टोटल क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज में आप लोगों को ग्रुप में भेजेंगे। ओके, थैंक यू।